Yes, good morning students. Today I am telling you question number second, exercise 6.1. जो आपकी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से जो है सॉल्व कर सकते हैं. अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको आज बता रही हूँ. सो लिसन इट केयरफुली. योर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड से स्टार्ट कर रही हूँ. सी है व्हाट इज़ द स्टेटमेंट. द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³/s. कि एक जो क्यूब है उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है 8 cm³ के अकॉर्डिंग. आपको क्या फाइंड आउट करना है. आपको निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 cm. आपको जो साइड की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर दे रखी है 12 cm. और आपको क्या निकालना है कि आपको जो एरिया है वो कितनी रेट से चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. ये देखिए, जब मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है मैंने स्टेटमेंट लिख ली है साथ में कि वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. जो वो आपको दे रखी है 8 cm³/s. और आपको सरफेस एरिया बताना है कि हाउ फास्ट, कि जो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है उसका जो रेट है वो क्या है चेंज होने का, जब आपको साइड क्या गिवन है 12 cm. नाउ लिसन इट केयरफुली. सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको जो फिगर है वो कौन सी दे रखी है. सर्कल दे रखा, स्फीयर दे रखा, व्हाट. तो वो आप देखिए स्टेटमेंट में आपको क्यूब मेंशन है कि एक क्यूब है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब की वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके फॉर्मूले मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ. सो सी हियर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो आपकी होती है ए का क्यूब. अब आपकी जो स्टेटमेंट में मेंशन है वो आपको दे रखा है कि जो वॉल्यूम है वो 8 cm³/s के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. मतलब ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, वी का है. अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं रेट ऑफ चेंज, क्योंकि आप फाइंड आउट करते हो, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो यू विल गेट dv/dt दैट इज़ इक्वल्स टू ए की क्यूब है, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी देन यू विल गेट 3a² dA/dt. नाउ पुट द वैल्यूज, दैट इज dv/dt दैट इज इक्वल्स टू 8 cm³/s. सो यू विल गेट 8 cm³/s दैट इज इक्वल्स टू 3a² dA/dt. नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dA/dt फ्रॉम देयर, देन यू विल गेट dA/dt दैट इज इक्वल्स टू 8/3a² राइट दिस वन इक्वेशन एज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सी द स्टेटमेंट, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. कि जो सरफेस एरिया है वो कौन से रेट से चेंज हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6a². अगर इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन यू विल गेट dS/dt दैट इज इक्वल्स टू 6a² का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 2a. सो सॉलिड दैट इज 12a इंटू dA/dt. आपको dS/dt फाइंड आउट करना था. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब देखिए आप क्या करेंगे, जो dA/dt है उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट करेंगे देन यू विल गेट dS/dt दैट इज इक्वल्स टू 12a इंटू dS/dt दैट इज इक्वल्स टू 12a इंटू dA/dt की वैल्यू जो है वो आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हैं. यहाँ पर लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप. 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12. एक की पावर से एक कट जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 4 × 8 = 32 डिवाइडेड बाय a. ठीक है, अब देखिए आपको स्टेटमेंट में मेंशन है कि जो a की वैल्यू है वो आपकी है 12, तो आप वो वैल्यू भी पुट करेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 × 8 = 32 एंड 4 × 3 = 12 dS/dt. तो ये आपके पास कितना आएगा 8/3
जो सरफेस एरिया है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वेयर, और टाइम जो होता है उसकी क्या होती है, सेकंड. सो यू विल गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड. दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देती हूँ. स्टेटमेंट में मेंशन था कि कोई भी आपके पास क्यूब है उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया का रेट बताना है कि कौन से रेट से जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. देन व्हाट यू विल डू, यू विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी, डी ए बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और डी एस बाई डी टी निकाल के उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएंगी. अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. फोर्थ से पहले आपको थर्ड क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसी के जैसा है, और आपको क्लियर हो जाएगा जो भी अब आपके डाउट होंगे थर्ड क्वेश्चन से. तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है आपकी, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कि एक सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, रेट कितना दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो व्हाट यू हैव गिवन, डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग. आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है जब आपको आर की वैल्यू जो है वो 10 गिवन है. सो सी हेयर हाउ यू कैन फाइंड इट, डी ए बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है व्हेन आर इज इक्वल्स टू, आर आपको कितना मेंशन है, 10 सेंटीमीटर. देखिए अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपका. आपको सबसे पहले ये देखना है कि शेप कौन सी है आपकी जो स्टेटमेंट में मेंशन है, दैट इज सर्कल हेयर इन द गिवन स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट थिंग यू मस्ट नो इज फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो आफ्टर दैट यू विल डिफरेंशिएट दैट वन एंड पुट द वैल्यूज. सो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज इसको आप ए से डिनोट करें. देखिए यहाँ से वैल्यू आ चुकी है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर. इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू, आप इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देन व्हाट यू विल गेट, पाई आपका एक कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2πr इंटू डी आर बाई डी टी, क्योंकि रेडियस जो है वो वेरी कर रही है आपके टाइम के साथ साथ. तो अब देखिए डी आर बाई डी टी जो है उसकी स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. सो पुट द वैल्यूज, दैट इज 2πr इंटू 3, यू विल गेट 6πr सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड. अब एक चीज़ और आपको जो लर्न करनी है वो क्या है, कि अगर आपको जो रेट है उसमें मेंशन है कि ये चीज़ इंक्रीज कर रही है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ आपकी प्लस में होंगी, पॉजिटिव साइन के साथ होंगी. अगर उसकी जो रेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको गिवन है तो आपका जो साइन होगा वो आपका नेगेटिव चलेगा. इफ़ ही सेइंग दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी, दैट इज -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हेयर. बट इन द गिवन स्टेटमेंट यू हैव सेड दैट द रेडियस इज इंक्रीजिंग, सो दैट वी हैव टेकन द वैल्यू डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 10. आपको डी ए बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब रेडियस की वैल्यू आपके पास 10 मेंशन है. तो अब आप क्या करेंगे, जो रेडियस है यहाँ पर उसकी वैल्यू आप 10 पुट करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू. सो पुट द वैल्यू 6π इंटू आर, आर इज 10 हेयर. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट 6 × 10 इज 60, पाई एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर. This question is very simple. In the given statement, you have given dr by dt that is equals to 3 centimeter per second, and you have to find the value of da by dt. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना था वो कितना है जब आपको r की वैल्यू दे रखी है 10. In the given statement, area of circle is pi r square. So da by dt that is equals to 2πr into dr by dt. Put the values 2πr, dr by dt की mention है आपको statement में 3 centimeter per second है.
वो वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है एंड आर की वैल्यू हमने पुट की है, देन यू विल गेट द वैल्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही बिल्कुल। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द क्वाइट लेक, कि एक जो पत्थर है वो फेंका गया है एक जो शांत लेक है उसके अंदर, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल, कि जो उसकी वेव्स जो है वो मूव कर रही है सर्कल की शेप में एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसकी स्पीड आपको मेंशन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मेंशन है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, कि उस इंस्टेंट पर जब रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द अनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कि कितने जो फास्ट रेट से जो इंक्रीज एरिया में होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, आपको गिवन है जो dr/dt है, यहाँ पर जो रेडियस है वो कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है वो आपको मेंशन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, और आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, उस टाइम पर आपको dA/dt वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर सो डिफरेंशिएटेड dA/dt दैट इज इक्वल्स टू 2πr अगेन एंड dr/dt। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 × π, r इज व्हाट हियर 8 एंड dr/dt इज 5। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट द आंसर 5 × 10 8 × 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑल दिस क्वेश्चन आर सेम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th, सी द स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, कि एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको मैंने बताया कि अगर इंक्रीजिंग होगी तो प्लस साइन के साथ लेंगे और डिक्रीजिंग होगी तो माइनस साइन के साथ लेंगे, तो वो जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। इसमें आपको क्या मेंशन है कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को आपको एक्स से डिनोट करना है और जो ब्रेथ है उसको आपको, विड्थ जो है उसको आपको वाई से डिनोट करना है। तो आपकी जो स्टेटमेंट में मेंशन है वो क्या मेंशन है कि जो उसकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, पहले आप लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या फिर ये ऑलरेडी मेंशन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपकी, आप क्या लिखेंगे dx/dt दैट इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे dx/dt दैट इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, जो विड्थ है वो आपकी इंक्रीज हो रही है कितने रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको डिफरेंस पता लग गया होगा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में माइनस साइन के साथ लोगे और अगर आपका इंक्रीजिंग है तो उसमें आपका प्लस साइन के साथ आप वैल्यू लेंगे। अब उसने क्या बोला है, जब एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 6 है, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको आई थिंक क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ क्वेश्चन करने से पहले आपको हर एक फॉर्मूला जो है वो क्लियर होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, या फिर क्यूब का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, रेट ऑफ पेरीमीटर निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आपको निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ये आपको फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट dp/dt दैट इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ, आपके पास स्टेटमेंट में मैंशन कितनी है, एक्स है, आप इससे पहले ये भी लिख सकते हैं 2 × x + y, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू है वो लेंथ जो है वो एक्स है और जो ब्रेथ है वो वाई है। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करिए तो आपके पास क्या आएगा, 2 × dx/dt +dy/dt। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, दैट इज dx/dt इज -5 हेयर एंड dy/dt इज 4। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट
माइनस टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है रेक्टेंगल का. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो वो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ. तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप एल और बी की वैल्यू रखिए यहाँ पर, एक्स इंटू वाई. अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा आपका डी ए बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट टू लगेगा यहाँ पर. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, एक्स इन द गिवन स्टेटमेंट इज एट, डी वाई बाई डी टी इज फोर प्लस वाई, वाई इन द गिवन स्टेटमेंट इज सिक्स एंड एक्स डी एक्स बाई डी टी इज माइनस फोर. नाउ सॉल्व इट, एट फोर ज़ा 32, सिक्स फाइव ज़ा 30, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड. आपको यूनिट में कन्फ्यूजन है तो एरिया की यूनिट आपकी होती है सेंटीमीटर स्क्वेयर, और क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टाइम, और टाइम आपका स्टेटमेंट में देखिए कौन सी उसमें दे रखा है, तो यहाँ पर आपका मिनट्स में है तो आपका जो टाइम है यहाँ पर सेकेंड की बजाय मिनट आएगा. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है. अब आप क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ट्राई कर सकते हैं, 8, 9 भी हो जाएगा. तो आपकी जो एक्सरसाइज के 1 to 9 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक लगे या कोई भी आपको कमी लगे कि हाँ यहाँ पर इस वीडियो में कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं. अगर समझ आए तो मैसेज करके बताएं, नहीं आए तो भी आप बता सकते हैं. थैंक यू.